everyone, welcome to the class. Today we are going to start with new chapter from your book Literary Journeys, an English Reader pre-primer book of Brain Root series. Okay, now the chapter name is three letter words of vowel sound U. तो हम इसके अंदर थ्री लेटर वर्ड्स पढ़ेंगे. कौन सी साउंड के बच्चों? थ्री लेटर वर्ड्स पढ़ेंगे यू साउंड के. सबसे पहले हमारे पास है अब, जिसमें आपको यू प्लस बी अब की साउंड मिलेगी. चलिए वर्ड्स पढ़ते हैं. सी यू बी कब, एच यू बी हब, आर यू बी रब, टी यू बी टब. नेक्स्ट वी हैव यू प्लस जी वर्ड्स, जिसके एंड में क्या आएगा? अग. तो बताइए कैसे पढ़ेंगे इसको हम बच्चों? बी यू जी बाग, डी यू जी डॉग, जे यू जी जग, एम यू जी मग. इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड. नाउ वी विल सी यू एन वर्ड्स, जिसके एंड में आप देख सकते हैं यू प्लस एन अन आता है. क्या आता है बच्चों? अन. तो बी यू एन बन, आर यू एन रन, जी यू एन गन, एस यू एन सन. नेक्स्ट वी हैव यू प्लस टी अट, जिसके लास्ट में आपको अट की साउंड सुनने को मिलेगी. देखो कट, अट की साउंड आई है ना. एच यू टी हट, एन यू टी नट, एस एच यू टी शट. ठीक है, आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने यू टी वर्ड्स भी सीख लिए. अब हम पढ़ेंगे यू पी वर्ड्स, जिसके एंड में क्या आता है? यू प्लस पी अप. ठीक है, तो फर्स्ट है सी यू पी कप, पी यू पी पप. ओके, सो दीज वर यू पी वर्ड्स. नाउ वी विल डू यू प्लस डी अड, जिसके एंड में आपको अड की साउंड आई. बी यू डी बड, एम यू डी मड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज यू प्लस डबल एल अल, जिससे आपको अल की साउंड आई. हम इसमें अल वर्ड्स के बारे में देखेंगे अब. ठीक है, क्या क्या है वो? बी यू डबल एल बुल, और फिर आप उल साउंड वर्ड्स भी बोल सकते हैं. पी यू डबल एल पुल, एफ यू डबल एल फुल, जब आप बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो आप फुल हो जाते हैं ना एकदम. जी यू डबल एल गुल. तो ये हमारे थे उल साउंड वर्ड्स. राइट, नाउ लेट्स रीड. Tun, tun and bun, bun. Tun, tun is a cub. Bun, bun is a bug. Tun, tun lives in a hut. Bun, bun lives in a nut. They run in the sun. They had fun to play in mud. Right? इज इट क्लियर? हमने यू साउंड की रीडिंग भी कर ली. नाउ नाउ वी विल रिकॉग्नाइज द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज मग, एम यू जी मग. नेक्स्ट इज एन यू टी नट. नेक्स्ट इज बी यू डबल एल बुल. नेक्स्ट वेरी क्यूट, P U P pup. Okay, now we will again identify the pictures and write their names. हमें pictures को देखना है और उनके नाम लिखने हैं. First is C U B cub, B U G bug, B U N bun, H U T hut. Okay, is it clear to everyone? This is the U sound word. Now we have to match the pictures with correct names. First is tub. तो हम tub को T U B tub के साथ match कर देंगे. उसके बाद हमारे पास है M U G mug. तो हम M U G mug को mug के साथ match कर देंगे. हमें picture को
और वर्ड को एक साथ मैच करना है. S U N sun, ये रहा sun. इसके बाद हमारे पास है M U D mud. ऐसे ही हमने mud को भी join कर दिया. ठीक है, सबको समझ आ गया? Very good. चलिए, now we have to fill the correct vowel in the blank. आपको मैंने बताया था हमारे पास कितने वॉवल्स होते हैं बच्चों, ए ई आई ओ यू. हमें इन ब्लैंक्स में सही वॉवल लिखना है. आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए कैसे करना है हमको ये. सबसे पहले है पी डैश एन. आप पिक्चर देखो, ये क्या है, ये एक पेन है ना, तो यहाँ पे ए आएगा या ई आएगा? यहाँ पे ई आएगा, पी ई एन पेन. यहाँ पे ए आएगा, M A N man. H dash T, H U T. क्यों? क्योंकि ये तो एक हट की पिक्चर है. हट भी सही है पर हमें पिक्चर देखना है ना. आगे देखेंगे M O P mop. mop होता है झाड़ू. उसके बाद W E L L well. B U N bun. तो यहाँ पे O आएगा या U आएगा? बिल्कुल सही, U आएगा, B U N bun. ओके, चलिए, नाउ वी हैव टू मेक न्यू वर्ड्स लाइक द फर्स्ट वन. हमें बिल्कुल फर्स्ट जैसे, जैसा ये फर्स्ट वर्ड लिखा है ना, वैसे न्यू वर्ड्स बनाने हैं. बनाइए, हट का क्या हो सकता है? गट, पुट. और बताइए क्या हो सकता है, सोचिए. बट, वेरी गुड. नेक्स्ट मैन. मैन का क्या क्या बना सकते हैं बच्चों आप? सी ए एन कैन बना सकते हैं, पी ए एन पैन बना सकते हैं. फिर और क्या बना सकते हैं? कैन यू ऑल टेल मी? पैन बना दिया, कैन बना दिया, बिल्कुल सही. और आप रैम बना सकते हैं. ठीक है, सबको समझ आया? इसके बाद हमारे पास है पेट. पेट का आप बना सकते हैं एल ई टी लेट, G E T get, R E T ret, और आप met भी बना सकते हैं, right? तो हम met ही बना लेते हैं यहाँ पे, M E T met. After that we have, so the word is S I T sit. Now इसके हम क्या क्या बना सकते हैं? F I T fit, P I T pit, L I T lit. Next is C O T cot. इसका आप क्या क्या बना पाएंगे? P O T pot, L O T lot और G O T got. ठीक है, तो ये हमने बना दिए C O T के words. ठीक है, चलिए, now you have to sing and learn. Iti likes to ride on her tiny white bike. Iti likes to climb and she likes to hike. चलिए मेरे साथ गाइए. Iti likes to ride on her tiny white bike. Iti likes to climb and she likes to hike. Okay, so ये हमने I sound का poem पढ़ा. Now we will read the poem of O sound. Joy loves to go out in the snow and owns a boat that he likes to row. ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे अब. Joe loves to go out in the snow and owns a boat that he likes to row. Very good. Now you have U sound. अब U sound की poem देखेंगे. Gulu can use a tube of bright blue glue and run with the bun. Now his bike won't move. Okay, so this was U sound song. Okay, now we have a new topic, fun with colors. हम अब colors के बारे में सीखेंगे. सबसे पहले हमारे पास है red color. Red color का क्या है? Fire engine. Next we have yellow color. Yellow color का क्या है ये? Banana. Very good. Next is blue color. B L U E blue color.
ब्लू कलर का ये क्या है? स्काई. ऑरेंज. ऑरेंज कलर का क्या है? फ्रूट है जिसका नाम है ऑरेंज. नेक्स्ट इज ब्लैक क्रो. ये देखो ये क्रो ब्लैक है ना. नेक्स्ट वी हैव ब्राउन हिल्स. व्हाइट मिल्क. ग्रीन लीफ. ग्रीन कलर की पत्ती जो होती है, पत्तियाँ आप देखते होंगे प्लांट्स के ऊपर, वो ग्रीन होती है ना, तो ग्रीन लीफ. पिंक रोज. गोल्डन रिंग. सिल्वर एंकलेट, जो आप फीट में पहनते हैं उनको एंकलेट बोलते हैं, राइट. जैसे आप अपने हैंड में पहनते हैं तो वो ब्रेसलेट होता है ना, वैसे जो फीट में आप पहनते हैं अपने लेग में उसे एंकलेट बोलते हैं. ग्रे क्लाउड्स. ग्रे क्लाउड्स, ठीक है. चलिए, नाउ यू हैव टू इनसर्कल द वर्ड इन ईच रो दैट राइम्स विद द वर्ड इन द बॉक्स, ठीक है. तो आपको ऐसे वर्ड को सर्कल करना है जो बॉक्स वाले वर्ड से राइम करता हो, बॉक्स वाले वर्ड जैसा हो. तो बॉक्स वाला वर्ड क्या है? M-A-T, मैट. कौन सा बिल्कुल उसकी तरह है? M-A-N, मैन है. S-A-T, सैट है, या P-I-N, पिन है. बिल्कुल सही, S-A-T, सैट है. तो हमने इसको सर्कल कर दिया. नेक्स्ट इज बेड. बेड का राइमिंग वर्ड क्या है? सैट, नन, फेड. यस, बेड का फेड. नेक्स्ट इज जिप. जिप का क्या होगा? लिप. जिप का क्या होगा? लिप होगा, ठीक है. नेक्स्ट हॉट. बताइए बच्चों, हॉट का क्या होगा? हॉट का होगा मैन, पॉट या सन. पॉट. तो हॉट का हो गया पॉट. नेक्स्ट इज नन. नन का सन होगा, हट होगा या बग होगा. नन का सन होगा. वेरी गुड, नन का सन. इज इट ओके एवरीवन? इज इट क्लियर? वेरी गुड. ओके, सो नाउ वी हैव फिल इन द राइमिंग बलून्स एंड द वर्ड इन द सेंटर विद द सेम कलर. आपको क्या करना है यहाँ पे? आपको ये देखिए वर्ड्स दिए हुए हैं, राइट. ये आपको सन दिया हुआ है ना, आपको क्या करना है? आपको इस वर्ड का जो भी राइमिंग वर्ड आपको दिख रहा है उनको सेम कलर से कलर करना है. देखो तो सन का कौन कौन सा राइमिंग वर्ड है बच्चों, बताइए आप. सन का राइमिंग वर्ड कौन कौन सा है? गन है, बिल्कुल सही. तो हमने गन को कलर कर दिया. और कौन सा है? बन है, रन है. यस, और कौन कौन से हैं? नन है और फन भी है. वेरी गुड, सो वी हैव कलर्ड इट. ओके, नेक्स्ट वी हैव कैन. कैन का कौन कौन सा राइमिंग वर्ड है? कैन का मैन हो सकता है बच्चों, बैन हो सकता है, वैन हो सकता है, और बताइए. वेरी गुड, फैन हो सकता है और रैन भी हो सकता है. तो इस तरीके से आप अच्छा अच्छा कलर करेंगे अपनी बुक के अंदर, ठीक है. राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? जो बिल्कुल एक वर्ड जैसे ही साउंड करते हैं, ठीक है बच्चों. चलिए अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज लिप, ठीक है. लिप, तो आप देखिए यहाँ पे लिप के अंदर हम कैसे करेंगे. लिप को आप कर सकते हैं पहले NIP निप, HIP हिप, SIP सिप, TIP टिप. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज HOT हॉट. हॉट के राइमिंग वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? ROT रॉट, NOT नॉट, TOT टॉट, COT कॉट. तो आप इसको बहुत ब्यूटीफुली कलर करेंगे, ठीक है. चलिए अब हमारे पास है फन एंड लर्न. इसको देख के आई एम श्योर सब पहचान गए होंगे ये कौन है. ये है शिनचैन, राइट. सो यू हैव टू कलर द पिक्चर ब्यूटिफुली एज शोन. ये काम आपके लिए है, आपको इस पिक्चर को कलर करना है इसकी तरह, बिल्कुल अच्छा सुंदर सुंदर कलर करेंगे, ठीक है. यू हैव टू कलर नीटली. नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.